अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अक्सा सईद। वेलकम टू माय एडीज़ चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसका नेम है बन चपली कबाब। ये बहुत ही इजी है। आज मैं आपको एक न्यू ट्रिक से इसे बनाना सिखाऊंगी। हम चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे 1/2 kg बीफ का कीमा लिया मैंने। इसमें मैंने एक प्याज, 2 सब्ज़ मिर्च और मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डालकर इसे मैंने कीमा करवा लिया था। इसके साथ लेंगे 2 प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया था। इसके साथ हमें कटी हुई टमाटर लेंगे, थोड़ा सा हम सब धनिया लेंगे। इसके साथ हम 2 टेबलस्पून बेसन लेंगे और साथ एक अंडा। और इसके साथ साथ हम 1/2 चम्मच नमक लेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने नमक और मिर्च डाल दी थी जैसे कि मैंने आपको बताया है। इसके साथ हम 1/2 चम्मच लाल मिर्च लेंगे, 1/2 चम्मच हम गर्म मसाला लेंगे, 1/2 चम्मच हम काली मिर्च लेंगे, 1/2 चम्मच हम चाट मसाला और 1/2 चम्मच हम खुश्क धनिया लेंगे। जो अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें बेसन डालेंगे, इसके बाद हम इसमें एक अंडा डालेंगे, उसके बाद हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे, काली मिर्च, नमक। इसके अलावा भी आप अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें। जब हम इसे मिक्स कर लेते हैं, तो ये हमारा मिक्स हो गया है। कुकिंग के साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। जी वो हमारा रेडी हो गया, हम इसे बनाते हैं। इसके लिए हम पहले कीमा लेंगे, इसके बाद हम ये सैलेड ऐड करेंगे जो हमने बनाया था, सब्जियां। इस तरह से हम सारा कवर कर लेंगे। हमने जो भी इसमें वेजिटेबल्स डाली हैं वो नज़र नहीं आनी चाहिए, उसको बीच में ही कवर कर लेना है। तो ये भी देख सकते हैं, इसी तरह हम बाकी भी तैयार कर लेंगे। हमने ये शेप में तैयार कर ली है, तो हम इसे ऑयल में डालते हैं फ्राई करने के लिए।
एक साइड को पलट लिया है। अब इन्हें बहुत ही एहतियात से फ्राई कीजिएगा, ये तो ये टूट जाएंगे। वन चपली कबाब के साथ सैलेड खाना तो बहुत ज़रूरी है जी। आज हम बनाएंगे स्पाइसी सैलेड। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, सो मैंने केचप ली है, ग्रीन चिली ली है और सब मैंने वेजिटेबल्स को काट लिया है। इन सब की मैंने कटिंग कर ली है। जो जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हैं आप वो ले सकते हैं। इसके साथ मैंने आधा चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच वाइट विनेगर सफ़ेद सिरका और आधा चम्मच मैंने नमक लिया है। तो जब हम तैयार करते हैं, इसमें मैंने डाली है हरी मिर्च, बंद गोभी, गाजर, टमाटर, प्याज और खीरा। तो हम इसमें डालेंगे चाट मसाला आधा चम्मच, सिरका और नमक, इसके साथ हम डालेंगे केचप, ग्रीन चिली, इसके अलावा कोई और भी सॉस ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो जी हमारा ये सैलेड रेडी हो गया है। तो जी हमारे बन चपली कबाब तैयार हो चुके हैं, अब इनकी फाइनल लुक देख सकते हैं। इसके साथ स्पाइसी सैलेड। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि कैसा बना है। आप ये देखिए, बहुत टेस्टी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट्स आप तक आती रहें। लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।